दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसे रियल लाइफ में घटने वाली एक घटना, एक एक्सीडेंट के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद और जिसको जानने के बाद वास्तव में आपको एक बार फिर से इंसान के इंसानियत के ऊपर से और पति और पत्नी का जो पवित्र रिश्ता होता है इसके ऊपर से आपका जो भरोसा विश्वास है एक बार वापस हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस कहानी में, इस स्टोरी में कुछ ऐसा ही हुआ है जो एक रियल लाइफ एक्सीडेंट है। मैं आपको ये कब की ये न्यूज़ है ये भी आपके साथ में मैं साझा कर देता हूँ, और किस न्यूज़पेपर में कौन से पेज पे ये छपी हुई है और कहाँ की है ये सब कुछ मैं आपके सामने यहाँ पे देखे रख देता हूँ। आप देख सकते हैं, जैसा देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो है दैनिक जागरण के अंतर्गत 16 जून के ये न्यूज़ छपी हुई और पेज नंबर 13 पे है। और क्या है पूरी न्यूज़, आइए सुनाते हैं आपको। दोस्तों मासूम संग, मासूम मतलब एक छोटे बच्चे के साथ में पति और पत्नी को डंडे से पीट पीट कर मार डाला, सॉरी मासूम संग पत्नी और प्रेमी को डंडे से पीट पीट कर मार डाला। क्या है पूरा मामला आइए समझते हैं। 6 माह की एक बच्ची, मतलब 6 महीने की एक बच्ची पत्नी और उसके प्रेमी को पति ने डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। महिला का जो पति है, जिसकी अभी मृत्यु हो गई, उसका जो पति है उसने महिला की जो प्रेमी है, अपनी औरत की जो उसकी प्रेमी था उसका और साथ में 6 माह की बच्ची थी, इन तीन लोगों को मर्डर कर देता है। और किसी हथियार से नहीं दोस्तों, एक डंडे से। कैसे बड़ा एक्सीडेंट होता है ये उस चीज को समझते हैं। पोस्टमार्टम में दोनों के सिर पर, पोस्टमार्टम में दोस्तों तीनों के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। हत्या के बाद आरोपी खून से सना डंडा लेकर थाने पहुंचा। आरोपी की पत्नी 2 साल पहले 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई। मर्डर करने के बाद जिस डंडे से उसने मर्डर किया उस डंडे को लेकर पुलिस स्टेशन में गया, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जब जो बात खुलासा हुई उसमें यह साफ समझ में आ रहा है कि 2 साल पहले जो पत्नी है वो अपने प्रेमी के साथ में चली गई थी। प्रेमी से ही उसका 6 माह का एक बच्ची थी, उसका जो प्रेमी था महिला का, उसके माध्यम से ही 6 माह की एक बच्ची थी। घटना इंद्रगढ़ क्षेत्र के ग्राम उधमपुर टुंडेर पुरवा की है। अब मुझे नहीं मालूम दोस्तों कि ये जो है घटना इंद्रगढ़ क्षेत्र के ग्राम उधम टुंडेर पुरवा की है, ये कहाँ की है इसके तो आगे सत्यापन होगा। गांव उधमपुर टुंडेर पुरवा निवासी मनोज जाटव की शादी 14 वर्ष पूर्व इटावा की रहने वाली राधा उर्फ पिंकी, जिसकी उम्र प्रेजेंट टाइम में 31 वर्ष पिंकी से हुई थी। अच्छा, ये इटावा मतलब यूपी का यह मामला है दोस्तों। 4 साल पहले मनोज ने टेम्पू लिया और मैनपुरी जाकर रहने लगा। दोस्तों शादी को ऑलरेडी 14 साल हो गए थे, आप कह सकते हैं 14 साल हुए थे, इसमें से 2 साल आप निकाल देंगे, मतलब शादी के 12 साल के बाद 2 बच्चों की माँ अपने प्रेमी के साथ में भाग जाती है और 2 साल तक उसके साथ में रहती है। 4 साल पहले मनोज ने टेम्पू लिया था और मैनपुरी जाकर रहने लगा। वहाँ उसकी दोस्ती आटा चक्की चलाने वाले मैनपुरी सदर क्षेत्र के बंशी गौरा छपटटी निवासी सत्येंद्र साक्ष से, जिसकी उम्र वर्तमान में 32 साल है और जो महिला की हत्या हुई है उसकी उम्र 31 साल है। दोस्तों जो आदमी उसका प्रेमी था उसका नाम सत्येंद्र साक्ष है, जिसकी उम्र 32 साल है, निवासी सत्येंद्र साक्ष से हुई ये। और ये लोग जब जाके मैनपुरी में रहे तो वहाँ पे एक पड़ोसी था जिनका नाम सत्येंद्र साक्ष है, उससे इनकी मुलाकात होती। 2 वर्ष पूर्व सत्येंद्र राधा को लेकर फरार हो गया। दोस्तों जो महिला मरी है उसका नाम है राधा उर्फ, उसको पिंकी भी कहा जाता है। 2 वर्ष पूर्व सत्येंद्र राधा को लेकर फरार हो गया, तब मैनपुरी पुलिस ने उसको तलाश कर मनोज को सौंप दिया। मतलब ये जो मनोज है जिसने मर्डर किया है इसने पुलिस कंप्लेन किया होगा, फिर पुलिस वालों ने उस औरत को खोज निकाला और फिर वापस मनोज के यहाँ पे उनको लिया के दे दिया। इसके बाद मनोज
मैनपुरी छोड़कर गांव लौट आया, मतलब जब इसने मनोज ने टेम्पो लिया था तो यह मैनपुरी जाके रहता था और वहां पे इसकी मुलाकात भाग गई थी। वहां पुलिस में कंप्लेन हुई तो पुलिस वालों ने इनको, इस लड़की को, इस राधा को, इस मनोज के साथ में लिया के रखा और फिर ये लोग गांव लौट आए। और वहां गांव लौट आया, कुछ दिन बीतने के बाद राधा गांव में पति 8 वर्षीय बेटे और 13 वर्षीय बेटी को छोड़कर सत्येंद्र के साथ फिर चली गई। दोस्तों, शहर से लौटने के बाद कुछ समय तक जो ये राधा है ये अपने पति के साथ में रही गांव में, लेकिन उसके बाद पति को छोड़कर और 8 वर्ष के एक बेटे और 13 वर्ष की एक बेटी को छोड़कर फिर से सत्येंद्र के साथ फिर चली गई। दोस्तों, ये राधा, ये औरत जिसका भी मर्डर हुआ, पुलिस ने तब मुकदमा दर्ज नहीं किया। जाहिर सी बात है, इस केस में जब उस आदमी ने फ्रस्ट्रेशन में होकर पुलिस वापस कंप्लेन करने गया होगा तो पुलिस वालों ने शायद ये कहा होगा कि अब तुम्हारी औरत अपनी इच्छा से भाग के गई है, तो आदमी ये जो मर्द है मनोज कुमार ये परेशान हो गया, डिप्रेशन में हो, क्योंकि इसने जब पुलिस कंप्लेन किया तो पुलिस ने यहाँ पे साफ लिखा है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। राधा 2 वर्ष तक सत्येंद्र संग रही, इसके बाद हो सकता है मनोज ने काफी समझाने बुझाने या खोजने की कोशिश की, उसको बुलाने की कोशिश, लेकिन ये नहीं आई और पुलिस कंप्लेन भी दर्ज नहीं हुआ, जिसके वजह से 2 साल जो राधा है वो सत्येंद्र के साथ में रह रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो मनोज है जिसने मर्डर किया है, इसके भी हाथ बंधे थे, क्योंकि पुलिस इसकी मदद नहीं कर रही थी। इस दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया, राधा ने इस दौरान अपने प्रेमी के साथ में एक बेटी को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु के समय उम्र थी केवल 6 महीने। बुधवार रात राधा अपने सत्येंद्र प्रेमी व 6 माह की बेटी के साथ मनोज के घर पहुंची। अच्छा, दोस्तों यहीं पे ट्विस्ट आता है। बुधवार की रात उसने प्रेमी सत्येंद्र व 6 माह की बेटी के साथ मनोज के घर पहुंची। राधा चारपाई पर बैठे बेटी को दूध पिलाने लगी। मनोज के घर पे पहुंची, हो सकता है कि डिवोर्स वगैरह लेने के लिए या किसी और बात पे समझौता या झगड़ा करने के लिए, किसी का कुछ हिसाब किताब करने के लिए। इन दोनों की हिम्मत देखिए, जो महिला भाग के गई थी अपने प्रेमी के साथ में अपने पति के घर पे आ रहे हैं और वहाँ पे ये लोग राधा जो बैठ कर अपने बेटी को दूध पिलाने लगी, और तभी सत्येंद्र पास में बैठ गया, जो सत्येंद्र था उसका प्रेमी था महिला का, वो भी पास में बैठ गया। तभी मनोज घर से निकला और 15 मिनट बाद एक डंडा लेकर लौटा। ये जो मनोज है, जब ये लोग मनोज के घर पे मिलने के लिए आए थे तो शायद मनोज उसके बाद कहीं चला गया, और 15 मिनट बाद वो वापिस डंडा लेके आया, लौटा। उसने आते ही राधा के सिर पर डंडा दे मारा। आते ही उसने राधा के सिर पे जोर से डंडे से प्रहार किया, सिर पर डंडा दे मारा। सत्येंद्र ने सिर पर डंडा तगड़ा वार किया। एक मिनट, उसने आते ही राधा के सिर पर डंडा दे मारा, सत्येंद्र के सिर पे भी तगड़ा वार किया। दोनों बेहोश हो गए। मनोज ने दोनों को तब तक वार किया जब तक उन दोनों की मौत नहीं हो गई। राधा को मारने में डंडा मासूम के सिर पर लग गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई, जान चली गई। दोस्तों, यह है पूरी घटना उत्तर प्रदेश की। अब इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दोस्तों, प्राकृतिक का एक नियम है, प्राकृतिक के बनाए गए वसूलों से या नियम से अगर आप छेड़खानी करते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट, आप बहुत चतुर, बहुत चालाक हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड है, दुनिया में आप बिल्कुल एकदम डिफरेंस है, और आपको लगता है कि जिंदगी में कभी जो आपने गलत किया है, जो प्राकृतिक का जो रूल्स है, जो नेचर का जो रूल्स है, उसके खिलाफ आप गए तो आपको सजा कभी नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे जो मनोज ने किया मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, उसने बहुत अच्छा किया। हो सकता है कि कुछ कमियां मनोज के अंदर भी रही हों और कुछ कमियां हो सकता है राधा के अंदर भी रही हों, लेकिन जो भी हुआ इससे दोस्तों, एक जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता होता है, ये एक बार समाज के में फिर से एक बार होमिल तो हुआ ही, लेकिन दोस्तों उससे भी सबसे जो मेन बात है, एक 6 माह की बच्ची जिसका इन सब में कोई कसूर नहीं था, उसकी भी जान चली गई। और ये तीनों लोग तो, और ये राधा और जो उसका सत्येंद्र जो उसका बॉयफ्रेंड था, और ये जो मनोज जिसने मर्डर किया,
इन तीनों की जो जिंदगी है दोस्तों, तीनों की जिंदगी बर्बाद हुई। अब इसमें गलत किसको कहे, सही किसको कहे, कुछ समझ में नहीं आता। और इस प्रकार के जो केस है वो अक्सर देखे जाते हैं। अगर मैं अपने ओपिनियन दूं, मैं अपना अगर राय दूं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसे केस में भाग के जाने से अच्छा बेहतर है कि आप लोग या एक दूसरे में समझौता कर ले, नहीं जम रहा तो डिवोर्स ले ले, एक नई जिंदगी शुरुआत करें। इसमें दोनों पक्ष की भलाई है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर आप डिवोर्स ले लेते, एक दूसरे से समझा बुझा देते हैं या एक दूसरे से समझौता कर लेते कि हमें आपके साथ में नहीं रहना है या आपके साथ में यह समस्या है, मैं इससे और अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं या कुछ भी जो भी है, तो दोस्तों इस कंडीशन में ये दोनों लोग अपनी जिंदगी में तो खुश रहते, साथ में जिसके साथ में ये रहते उसकी भी जिंदगी हो सकती है खुश हो, उसकी भी जिंदगी में खुशी आती। इस प्रकार से समाज का भला हो या ना हो, लेकिन इन लोगों का जरूर भला होता। लेकिन आज देखिए दोस्तों, आज देखिए कि क्या से क्या हो गया, चार जिंदगियां बर्बाद हो गई। एक की बात नहीं कर रहे, दो की बात नहीं कर रहे, तीन की बात नहीं, एक साथ में चार की चार जिंदगियां बर्बाद हो गई। वो तीन लोग का तो मर्डर हो गया, वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन ये जो मनोज जिसने मर्डर किया है, इसकी भी जो लाइफ है वो आजीवन हो सकता है कारावास इसको हो, और ये जेल में ही जिंदगी भर बंद रहे। दोस्तों कभी भी परिवार में किसी प्रकार की समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, तो आप वहां से कुछ समय के लिए अपने रिश्ते से या अपने समय को या अपने आप को या अपने लाइफ पार्टनर को या तो अकेला छोड़ दीजिए या खुद अकेला हो जाइए, या कुछ दिन के लिए डिस्टेंस बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि आखिरकार समस्या वो कहां से रही है। समस्या से घबराइए नहीं, समस्या का समाधान क्या है उस चीज के बारे में डिस्कस कीजिए, सोचिए, विचारिए और फिर वापिस एक बार अपने रिश्तों को मधुर और खुशहाल बनाने की कोशिश कीजिए। 95% इस प्रकार के जो केस होते हैं, एक्सीडेंट होते, उसमें ऐसा देखा जाता है कि लोग फ्रस्ट्रेशन में, पागल होकर डिप्रेशन में इस प्रकार का गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे एक दूसरे की जिंदगियां तबाह कर लेते हैं। मैं तो दोस्तों मेरा ओपिनियन यही कहेगा कि ऐसे केस में मैं मानता हूं अपने आप को मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये असंभव वाली बात है कि कोई व्यक्ति ये सब होते हुए भी अपने आप को मैनेज कर ले। लेकिन दोस्तों जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि दो चार दस दिन, दो चार साल की बात है, जिंदगी एक बहुत लंबा सफर है, और इस लंबे सफर में अगर छोटी मोटी तकलीफों की वजह से आप अपनी जिंदगी को समाप्त करने की कोशिश करेंगे या ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिससे आपके परिवार, आपके समाज के, आपके रिश्ते के या आपकी जिंदगी ही खतरे में पड़े, तो दोस्तों इससे अच्छा है कि उस रिश्ते से आप नाता ही तोड़ लें। दोस्तों मेरी बात आपको क्या समझ में आ रही है और कैसी लगी है, मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा, इस वीडियो को जरूर लाइक करके आप मेरे इस ओपिनियन को आप साझा कर सकते हैं, सपोर्ट करके आप लाइक करके आप बता सकते हैं कि क्या मैं सही हूं क्या गलत, या आपके इस विषय में क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिए, और समाज के लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिए। वीडियो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है कि उसकी जो नोटिफिकेशन, उसकी जो सूचना है यदि आप चाहते हैं तो टाइम टू टाइम मिले। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, ख्याल रखिए आप अपना।